किसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। एक हमारा भाई उठा ले गया था, उसको पता ही नहीं वो कहाँ है कैसा है, इतनी दुर्दशा करेगी हमारे यहाँ पे। एक और वो एसपी कौन था जो आंख दिखा के धमकी दे रहा था कि मैं देख लूंगा तुमको, हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का? आप ही बताओ ना, हम क्या करें? क्या मतलब क्या सम्मान रह गया क्या देश में? महिलाएं खत्म कर दो या तो इस देश को जरूरत नहीं हो, तो रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। कमिश्नर के इतनी अक्कल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई है या महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? मेरे को लगता है कि अगर ये मेडल जीतने के बाद यही इस देश में अगर रिस्पेक्ट है तो वो मेडल हम वापिस ही लौटा देंगे भारत सरकार को। आप उनको अपने पास ही रखिए। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी, इतनी दुर्दशा करेगी हमारे यहाँ पे। रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। कितने लोग इंजर्ड हुए? दो को, एक को तो इधर से पटा हुआ, उसका तो खून ही बहुत ज्यादा चलने लगा, तभी के तभी हमने भगा दिया। एक इस भाई को, ये भाई बैठा हुआ इसको टकरा रहे, इसको जाने नहीं दे रहे। एक हमारा भाई उठा ले गया था, उसको पता ही नहीं वो कहाँ है कैसा है। दो जी नशे में भी था यहाँ। हाँ, एक ड्रिंक कर रहा था और वो उनको बोला सर हमारे आगे टेस्ट करवा दिए, लेकिन वो जबरदस्ती उसको लेके गए हैं कि हम अपने आप करवा लेंगे इसका टेस्ट, आप जबरदस्त कराइए इसके खिलाफ। एक और वो एसपी कौन था जो आंख दिखा के धमकी दे रहा था कि मैं देख लूंगा तुमको, मेरे से ऐसे मत बोल। धर्मेंद्र नहीं था वो, एक और आया था, वो निकलवा के ले आए ताकि मेरा नाम ना पता लगे। वो मोटा सा था, वो देखते ही पहचान लेंगे हम उसको। इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब जब लड़कियां थी, अगर हम लड़कियां थी तो महिला कांस्टेबल कहाँ थी? जब वो आदमी हमें धक्के मार रहा था, हमें तब महिला कांस्टेबल कहाँ थी? तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल आगे नहीं की? वो खुद को धक्के मारा था, उसको किसी ने परमिशन दे रखी क्या लड़कियों को ऐसे धक्के मारने की? कोई महिला पुलिस वाला नहीं था, कोई महिला पुलिस वाला उस टाइम नहीं, कोई नहीं था उस टाइम पे, वो खुद अकेले धक्का मार रहा था सबको। क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतनी अक्कल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई है या महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। ड्यूटी थी लेकिन वो इधर बैठे थे, वो अपने आप अकेले तक। आप सभी देशवासियों से अपील है, ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है, आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ, अगर अब नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। अगर आप फिर से वापस अगर आप वजन बता दें, क्योंकि दोनों लोग बहुत इमोशनल है, आप बताएं कि पूरी बात बताइए। देखिए यहाँ पे सभी को पता बारिश हो रही है, नीचे सारा गिल्ला है, तखत लेके आए थे होल्डिंग, वो अंदर रख रहे थे, उन पे गाली गलौज करने लगे पुलिस वाले कि गार में सो जाओ, नीचे सो जाओ, कीचड़ में ऊपर बैठ के वो नहीं है यहाँ पे, तो उसी पे गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? ब्रजभूषण जैसे लोग जो क्राइम करके भी खुले में घूम रहे हैं और ये यहाँ पे ऐसे रोना पड़ रहा है रात को बिना खाए पिए कुछ, तो सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ आप लोग, अगर आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तो। बजरंग एक सवाल है, पुलिस कह रही है कि सोमनाथ भारती इसके फोल्डिंग ला रहे थे, यानी जो बेड है वो ला पहले रहे ही थे, वो यहाँ पे पहले खड़े थे। दो घटनाएं मिक्स हैं या अलग अलग है? वो पहले ही खड़े थे, आप सीसीटीवी कैमरे लग रहे होंगे यहाँ पे, वो उधर खड़े थे, लेकिन वो टेम्पो वाला इधर से आया, टेम्पो वाला, तो इसमें सोमनाथ भारती का तो कोई रोल ही नहीं, वो तो पहले 10-15 मिनट पहले खड़े थे वो यहाँ पे। पुलिस की तरफ से अभी बयान ये आया है कि सोमनाथ भारती यहाँ पर फोल्डिंग पलंग लेकर आए थे, जिसकी परमिशन सीसीटीवी कैमरे होंगे ना यहाँ पे, जिसकी सीसीटीवी कैमरे ले जाना चाह रहे थे पुलिस की तरफ से। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ पे, उनको निकलवा लीजिए, एक बार उनसे पूछो ना, उनको कल माँ बेटियों को मेरे को किसने परमिशन दी हमको धक्का मारने? यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं तो एक बार पता कर लीजिए, सोमनाथ भारती तो यहाँ खड़े थे, उनको परमिशन किसने दिया? 10 मिनट बाद आया, 15 मिनट बाद आया उधर से। आप लोगों ने मंगाया था? हमने मंगाया है, कुछ भी नहीं दे रहे सर, आप खुद देख रहे ना कैसे कैसे टेंट लगा रखे हमने, इतने गुंडे डाल रहे हैं। हम 10 दिन से बैठे हैं, एक पुलिस वाले से पूछ लो, हमने किसी से बदतमीजी की होगी? एक पुलिस वाले, सिंगल पुलिस वाले से पूछ लो आप, इतने तो क्रिमिनल नहीं है हम जितना हमारे साथ हार कर रखा है। ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक सर फूट गया और फिर इतनी बात ऑर्डरिंग कर रहा था, जिसने सिर्फ आगे बात होता जा रहा था, चुप रहा था वो, चुप रहा था, बाथरूम में बाइक कर रहा था, उसने मारा बाथरूम के अंदर ही मारा उसको।
और बाद में सिर फोड़ने के बाद पुलिस वो जो उनके एसीपी थे उनके डीसीपी थे एसीपी थे जो भी थे उनके डंडे रखवा रहे हैं कि डंडों के डंडे छुपा दो मतलब छुपा दो। आप बता दो जी हम क्या करें। नहीं आप बता दो क्या करें। ये गोली ले रहना ये बंदूक ले रहना सारे मार दो। इज्जत तो हमारी छोटी नहीं इन्होंने इज्जत तो कोई नहीं छोड़ रहा। मतलब कोई पुरुष है इसका मतलब क्या उसको अधिकार दे दिया क्या उद्देश्य ने। हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का। आप ही बताओ ना हम क्या करें। गेम हमारा खत्म कर दिया जिंदगी हमारी दांव पे लगा दी सड़क पे हम बैठे हैं फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है वो बजभूषण को क्यों नहीं पकड़ रहे ये लोग। 10 दिन से हम यहाँ सो रहे गद्दे पे हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि भी ले जाओ। आज ये सब गिल्ले हो गए कहाँ पे सोए आप लोग हमें जवाब दे दो कहाँ पे सोए हम। दे रहे हैं अभी लिख रहे हैं जिसके खिलाफ दे रखे उसको गिरफ्तार कर लिया तुमने। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली कमिश्नर से अगर इन दोनों तीनों बेटियों में से एक कमिश्नर की बेटी होती तो क्या गुनहगार ब्रजभूषण आज भी ऐसे घूम रहा होता या अपनी बेटी में दूसरे बेटियों में फर्क करने वाले कमिश्नर से मैं पूछना चाहती हूँ जिसने आपके घर में घुस के ये नेता की बेटियों को उठा के ले जाएंगे क्या तब भी तुम चुप रहोगे। ये बेटियां न्याय की गुहार लगा रही है 11 दिन से। इसका स्टेटमेंट आया और बोला है कि सोमनाथ भारती ने स्टफल स्टार्ट किया वो सामान लेकर आए थे। भाई मैंने आपको 3 बार बता दिया है हमारे पास वीडियो भी है लाइव भी चल रहा था वीडियो भी बना रखी है और यहाँ पे उनके भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं उनकी आप फुटेज निकाल लीजिए कि कौन लेके आया है। अब झूठा इंजाम वो कुछ भी कर सकते हैं उन्होंने ब्रजभूषण को पकड़ लिया वो भी झूठा इंजाम ही लगा रहे हैं। अब तक जो महिला खिलाड़ी थे जो विक्टिम थे उनके अभी तक बयान नहीं लिए इन्होंने ये झूठा फैला रहे कि खिलाड़ी बयान नहीं देना चाह रहे। सुप्रीम कोर्ट तो कल है ना जी रात में क्या आ जाएं हम रात को कहां जाएं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं क्या मतलब क्या सम्मान रह गया क्या देश में महिलाएं खत्म कर दो या तो इस देश को जरूरत नहीं हो तो ये पुलिस वाले भी इधर बंदूक ले रहे हैं वैसे मरवा दो मर के उठेंगे यहाँ से हम बिल्कुल तैयार हैं। आरोपी को ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए औरतों की इज्जत ना हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी भाई। आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और जिन बेटियों का शोषण हुआ है उनके भाइयों का सिर फोड़ रही है पुलिस। शर्म आनी चाहिए। लड़ाई हमारी बेटियों के लिए है और जैसे आज पुलिस ने बर्ताव किया है दो पुलिस वालों ने ड्रिंक कर रखी थी लड़कियों के साथ बदतमीजी की गालियां दी दो के सिर फोड़ दिए हैं तो मेरे को लगता है कि अगर ये मेडल जीतने के बाद यही इस देश में अगर रिस्पेक्ट है तो वो मेडल हम वापिस ही लौटा देंगे भारत सरकार को। आप उनको अपने पास ही रखिए हम बिना ही मेडल के ठीक है तो ऐसे मेडल हमें नहीं चाहिए। बता रहा दो लड़कों के सिर फोड़ रखे हैं एक दुष्यंत है एक राहुल है और लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई है धक्का मुक्की तो हमारे साथ भी हुई है धक्के तो मुझे भी मारे गए हैं तो ये पुलिस का रवैया है जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है उसको तो कुछ कर नहीं रहे कि अगर पैसे वाले के लिए और गरीब के लिए अलग अलग कानून है तो फिर इस देश में एक लिख के दीजिए कि भाई आप लोगों के लिए अलग कानून है और पुलिस वालों के लिए अलग जो अमीर लोग उनके लिए अलग कानून है उसका तो कुछ कर नहीं रहे। खिलाड़ियों को ऐसे कर रखा है जैसे यहाँ अपराध करके हम यहाँ बैठे हैं।